अब जमाना मेसी ट्रैक्टर का ही नहीं है। जिसको कहते थे वो कहता था मेसी ट्रैक्टर चाहिए। क्यों चाहिए? खेत में मेसी बहुत अच्छा। अब आप मेसी को अपनाओ, मेसी से काम करो, खेती का बहुत अच्छा काम लीजिएगा। लेकिन मेसी के साथ साथ में अब आरपीएससी और यूपीएससी की ओर ध्यान दो। यानी राजस्थान लोक सेवा और संघ लोक सेवा आरपीएससी और यूपीएससी को पकड़ लो। और देखता हूँ हमारे बच्चे, यदि गांव के बच्चे यदि आईएएस वगैरह आए, ये आपके सामने बच्चा आईएएस आया है, इसने कोई सिंह पेड़ तो नहीं है, इसके कोई अलग सिंह तो नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि मेहनत की है। इस कारण से आज यूपीएससी का परीक्षा पास करके आईएएस जैसी सेवा में आया है। तो मेरा नौजवान साथियों से अनुरोध है, कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें। वो लोग आगे बढ़ेंगे गांव में से, चाहे किसी भी समाज को, हमारे लिए 36 को बराबर। हम उनको मदद करेंगे जो गांव आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देने आप सबसे अनुरोध है। केवल भर्ती करा करके इतिश्री कर लेना उचित नहीं है। पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ते नहीं पढ़ते वो भी ध्यान दीजिए। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं, आपके बच्चे किन की सोबत में हैं, किस प्रकार का काम करते हैं। अरे बाबा, क्या आज आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते? यदि गलत डायरेक्शन में जाता तो रोकिएगा, उसको सही दिशा दीजिएगा। आज भारत विश्व का सबसे ऐसा देश है जो सबसे युवा देश है, और ये युवा राष्ट्र, हम सब लोगों को इन युवाओं की मदद करनी है। युवा लोग रोजगार में आए, युवा लोग पढ़ के आगे आए और दुनिया में नाम करें नागौर का, ये मेरी अपेक्षा रहेगी सारे युवाओं से कि भाई आप लोग वास्तव में, जैसे एक बच्चा भी आईएएस का है, कितना हृदय मतलब लगता है कि कोई बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा हर गांव में कसम खाओ पढ़ने वाले बच्चे कि मुझे आगे आना। आज मैं सुबह सुबह ग्राउंड मार रहा था बच्चों, छोटी छोटी बच्चियां छठी क्लास सातवीं, उन सबको एक ही कहेगा, जब तक 95% नंबर नहीं आए तब तक कोई पूछने वाला नहीं 95%। बाकी अब पहले हमारे वाला जमाना गया, जो पास हुई वो समाज फलाने चौधरी साहब वाला छोरो पास है, वो जमाना गुड़ बांटता था। अबे वो पास वाला जमाना बनी, अब 90%, 80%, 85% नंबर लाओ और रात दिन पढ़ के कॉम्पिटिशन की तैयारी करो। ये मेरा आपके बच्चों से आग्रह है।